GoPro unboxing. GoPro Hero 10. Finally unboxing. और इसके वीडियो मॉर्निंग स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए ब्लॉग में और एक नए लोकेशन से। जैसे कि पिछले ब्लॉग में देखा होगा आपने कि हम अभी आ रखे हैं देहरादून। देहरादून क्यों आ रखे हैं वो अभी सस्पेंस में बना होगा आपको, क्योंकि ये बात अभी क्लियर नहीं हो पाई कि हम देहरादून आ क्यों रखे हैं। कुछ लोगों को तो पता होगा, घर वालों को पता है, और बाकी जो अदर देख रहे हैं उनको अभी पता नहीं होगा, वो भी क्लियर हो जाएगा आने वाली वीडियो में। तो फिलहाल नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं एक नए मिशन के लिए। और मिशन क्या होता, आज कहाँ जाना होता हमारा, अभी इसका कोई फिक्स तो हो नहीं रखा। तो फिलहाल हम अभी देहरादून आ रखे हैं और प्रिंस चौक पे हम रुके हैं, और आज की आगे की कार्रवाई देखते हैं, कहाँ जाना है, क्या क्या शॉपिंग करनी है और फिर क्या क्या होता है, वो सारा देखने को मिलेगा आपको वीडियो में। और तब तक वीडियो में बने रहिए आप, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, आप बिल्कुल लास्ट में भूल जाते हो, तब तक जाके सब्सक्राइब कर लो। सारा सामान अब हम अपना पैक कर चुके हैं और नवीन भाई भी तैयार हो चुके हैं, और अब होता है टाइम चेकआउट करने का। तो गाइस ओके हो चुके हैं, कपड़े कुपड़े पहन के बैग वैग ओके कर दिया, हेलमेट निकाल दिया, और अब निकलने की बारी आती है रूम से बाहर। और होटल से बाहर निकल के होटल का कुछ नजारा इस प्रकार का देखने को मिलेगा। गैलरी है बाहर और यहाँ से नीचे जाने का। और अब निकलते हैं हम होटल से बाहर, और गाड़ी हमारी होटल के बिल्कुल बाहर खड़ी थी। होटल की बात करें तो यहाँ इस होटल में हम रुके थे और उसके नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हो रखी है, और गाड़ी करते हैं स्टार्ट। तो आगे का सीन, सबसे पहले हम जाएंगे आसू भाई के रूम पे, आसू भाई से मिलते हैं और आपको भी मिलाते हैं आसू भाई से। और अब होती है हमारी आज की राइडिंग यहाँ से स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम रवाना होते हैं धर्मपुर के लिए। धर्मपुर आसू भाई का रूम है, तो हम जाएंगे सबसे पहले धर्मपुर। प्रिंस चौक से चलते हैं हम घंटाघर की तरफ, और वहां से निकल लेंगे हम धर्मपुर की ओर। तो गाइस आज के दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले नारियल पानी पीते हैं, और नारियल पानी पीने के लिए अभी हम रुके हैं यहाँ पे। ले ले बाबू नारियल पानी। और आसू भाई मिल गया हमें, और आसू भाई हमें लेने आ रखे हैं यहाँ पे। तो फाइनली लोकेशन पे हम पहुँच चुके हैं आसू भाई के रूम पे। तो ये रहा आसू भाई का रूम, और आसू भाई कर रहे हैं यहाँ से कोचिंग, तो कॉपी किताबों की डंप लगी पड़ी है भाई के पास। तो गाइस आसू भाई के रूम से हम निकल चुके हैं, और अब जाना पड़ेगा हमें सर्वे चौक, और सर्वे चौक पर मिलेंगे हमें मेरे जेजी, जो मेरे जेजी है उनके छोटे भाई मिलने वाले हैं फौजी साहब, और उनसे होगी मुलाकात। प्रॉपर कारगी चौक हम पहुंच चुके हैं, और जी जी भी हमारे यहाँ कारगी चौक में पहुंच चुके हैं जी जी। कारगी चौक पे जीजू से मुलाकात करने के बाद अब निकल रहे हम घंटाघर की तरफ, और घंटाघर दिखाते हैं आपको क्या विशेष काम है आज, और जो आज का विशेष काम है वो हमारा है घंटाघर। तो जाके पता चलेगा आपको क्या होने वाला है आज घंटाघर में, क्या सामान परचेज करने वाले हम। गाइस दिन के 12 बज रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं घंटाघर। जैसी भीड़ मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में देखने को मिलती है, उस हिसाब से थोड़ा भीड़ भड़ाका कम है, तो इसलिए जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। और हमारा मेन जो मकसद रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग हम टाइम से करें, और टाइम से फ्री शाम को फ्री हो जाए। तो गाइस फाइनली घंटाघर हम पहुंच चुके हैं। चार कर दिए, क्या करें, चलाना पड़ेगा साहब। चल ठीक है, हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा। GoPro अनबॉक्सिंग, GoPro Hero 10 फाइनली अनबॉक्सिंग।
और इसकी वीडियो अलग से देखने को मिलेगी आपको एक घंटे बाद नहीं, दो तीन दिन बाद। एक छोटे से गोप्रो के लिए इतना सारा सामान, ये हो गया गोप्रो का वाटरप्रूफ कवर, बाकी कॉम्बो के साथ ये है, बैटरी है, माइक है। और अब फाइनली अमन भैया बना रहे हैं बिल, है ना भैया, पेमेंट तो हो चुका है और लास्ट बन रहा है बिल। तो गाइस शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं गांधी पार्क में घूमने के लिए। सबसे बढ़िया घूमने के लिए पर्पज से शाम को आप आ सकते हो गांधी पार्क में। तो फिलहाल अभी हम आ रखे हैं गांधी पार्क में ऐसे ही घूमने के लिए, और इसके बाद जाएंगे हम शाम को। शाम का भी कोई फिक्स है नहीं कहाँ रन बसेरा होगा और कहाँ जाने वाले हम। कुछ ते खास बोलूं मैं माँ, हाँ हाँ बात होली। तो गाइस गांधी पार्क घूमने के बाद अब हम चलते हैं परेड ग्राउंड। परेड ग्राउंड में लगा है बहुत बड़ा मेला और बाहर से कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा परेड ग्राउंड का। और शाम के लगभग 5 बज चुके हैं तो अंधेरा भी धीरे धीरे होने को आ गया है। ना बैठ परेड ग्राउंड देहरादून, और यहाँ से मेन गेट जो मेले का है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और अब हम जाएंगे गेट के अंदर और मेले का नज़ारा लेंगे, मेले का लुत्फ़ उठाएंगे और मजे लेंगे शाम के टाइम का। बात करें अगर परेड ग्राउंड के मेले फील्ड की तो कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को अंदर से मिलेगा। और कंडारी जी और नवीन भाई चादरों पे हाथ मार रहे हैं, चादर पसंद आती है तो ले जा सकते हैं यहाँ से। और तमाम प्रकार की फैशनेबल झुमकियाँ देख सकते हो आप। और मेले फील्ड के सामने बिल्कुल कुछ इस प्रकार का मंच दिखता है खुला खुला, और चारों तरफ से लोग इस प्रोग्राम का लुत्फ़ उठा सकते हैं। मेले से कुछ लिया तो नहीं लेकिन तंदूरी चाय जरूर पियेंगे, यहाँ पे तंदूरी चाय बन रही है तो तंदूरी चाय पी के टेस्ट करते हैं कूलर पे। छोटे बच्चों के लिए चल रही है यहाँ पे ट्रेन, और बड़ों के लिए चरखी, चरखी में तो कोई भी बैठ सकता है। और बाकी पूरी रौनक देख सकते हो आप। ओ जी सेल सेल सेल, कपड़े कपड़े सस्ते कपड़े, बिल्कुल सस्ते कपड़े। नवीन ओए कंडारी, तुम्हारा ध्यान किधर है, सस्ता माल इधर है। ले ले भाई, देख ले कुछ पसंद आ रहा तो भारी छूट, 100 रुपये मात्र। गाइस जो भी मेला लगता है उनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सस्ती चीज मिल जाते हैं यहाँ पे सस्ते, जैसे कपड़े देख सकते हो आप, 100 रुपये सेल है तो बहुत, मतलब नॉर्मल आदमी से लेकर हर कोई खरीद सकता है आसानी से। और ठंडियों का खासे मौसम आ रहा है तो इस वजह से मतलब मेले लगते हैं तो बहुत बढ़िया गरीब आदमियों के लिए हो जाता है। चरखी के बिल्कुल हम सामने जा रखे हैं, टिकट लेने की कोशिश जरूर की थी लेकिन भीड़ ज़्यादा है तो इस वजह से हम बैठेंगे गौचर में। गौचर में जब मेला लगेगा तो फिर हम वहीं बैठेंगे अब अपने चरखी में। गाइज अगर कुछ चीज़ें आप पसंद आए तो वो ये काली नाई बहुत मोटी है और बहुत अच्छी लग रही है, और बिल्कुल हाथ लगाने से पता चल रहा है कि कितनी स्मूथ है ऊपर से। और ये चीज़ आ रखी है खासे कश्मीर से। हाँ भैया कश्मीर से आ रखे, क्या चीज़ है ये? A to Z वैरायटी के ड्राई फ्रूट मिलेंगे यहाँ का, और ये आ रखा है स्पेशली कश्मीर से। और मूर्तियाँ आ रखी है स्पेशल प्रकार की, अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग मूर्तियाँ। तो घूमने के बाद अब फाइनली हम गेट से निकलते हैं बाहर की ओर। मेले में घूमते घूमते हमें हो गया 1 घंटा, और अब फाइनली हमारी होती है यहाँ से वापसी क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है। तो परेड ग्राउंड आने के बाद अभी हमारे हैं तिब्बती मार्केट, जो कि कंडारी भाई हमें मिला था तो इसके लिए कुछ सामान लेना है यहाँ से। और बाकी जो हमारी शॉपिंग होगी, हमारी तो कल से स्टार्ट होने वाली है शॉपिंग। तो फाइनली गाइज हम रूम पे पहुंच चुके हैं, और आज दिन भर की जो शॉपिंग हुई मेन शॉपिंग हो रखी है, लेंस ले रखा है 85mm का जो लगेगा निकॉन Z6 पे, और ये हो गया GoPro का कवर और GoPro 10 Hero 10। तो गाइज फाइनली दिन भर की थकावट के साथ एक और नया ब्लॉग देहरादून में एंड करते हैं। और कल जो हमारी शॉपिंग होगी, भाई की स्पेशल वेडिंग शॉपिंग होने वाली है कल, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। और फिलहाल हम अभी रूम पे पहुंच चुके हैं और आज के ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड।
आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों ओके गाइस बाय।